दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9. मैं सभी अभिभावकों की तरफ से आपको प्रेस मीडिया को मेरा नमस्कार करता हूं. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हम आज 300 पेरेंट्स की जो हम लोग ग्रुप बना रखा है वो इस विषय में काफ़ी हद तक परेशान है कि स्कूल ने अपनी मनमानी करके काफ़ी मोटी रकम की बुक्स अपने कमीशन हेतु लागू कर दी है जो कि सरकार के गाइडलाइन CBSE रूल के हिसाब से उचित नहीं है. CBSE रूल्स के हिसाब से केवल NCERT की बुक ही लागू होनी चाहिए. उन्होंने उसको कोने में रख के अपनी प्रशासन स्कूल की तरफ से खुद की महंगी 8 से 10 हज़ार रुपये की बुक लेने का दबाव बनाया है जो कि बिल्कुल गलत है. और ये पूरा प्रख्य मैस्कॉट द पब्लिक स्कूल का है फैसागा रोड अजमेर का. लास्ट वर्ष से फीस की वृद्धि की है और पिछले 5 सालों से स्कूल निरंतर 15 से 20% की वृद्धि कर रहा है जबकि कानूनी ये गलत तरीका है. इस बार उन्होंने 15-20% की जो वृद्धि की है हर साल स्कूल लैब स्कूल एक्टिविटीज अलग अलग कॉलम के नाम से अलग अलग दर्शाते थे. इस साल कोरोना को देखते हुए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए पूरे ब्यौरों को एक लिख दिया ट्यूशन फीस के नाम से. उनको मालूम है ट्यूशन फीस के नाम से गवर्नमेंट उनको मना नहीं कर सकती. इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से सभी जनता को सभी अभिभावकों को न्याय दिलाएं. आशा करते हैं आप हमारी पूर्ण सहमत व्यवस्था करेंगे. धन्यवाद. मेरा नाम कमल सोनी. हम फैसागर रोड पर स्थित मैस्कॉट द स्कूल से हैं और हमारे बच्चे उस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं और हम सर ने इस वर्ष फीस में वृद्धि की है और किताबों के अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने मूल्य की कीमत की है. उसकी डिमांड को लेकर हम सर के पास में कलेक्टर सर के पास में अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि बुक्स की कीमत कम की जाए. स्कूल के अंदर सबसे परेशान किया जा रहा है फीस को लेकर. सर हर साल और सर किसी न किसी रूप के अंदर फीस को वृद्धि कर ही जा रहे हैं और किताबें भी उनके सर के है ना एक ही वेंडर रहता है जहाँ से खरीदने पर हम मजबूर हैं और वहाँ पर हर वर्ष किताबों की कीमत बढ़ती जा रही है. हमारे फ़ोन रिसीव कर रहे हैं और हम उनको मेल दे चुके तो मेल पर सर कहते हैं कि हमने ना किसी को दबाव नहीं डाला. अगर सर ने दबाव नहीं डाला है तो हमें ये तो बताइए कि हम किताबें कहाँ से खरीदें, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, हमारे बच्चे का भविष्य खतरे में है. ये पूछो ना नीलम अग्रवाल. आज हम सब इसी उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं. कलेक्टर साहब को लेटर देने आए थे जो स्कूल के खिलाफ अगेंस्ट है. हम लोग जा रहे हैं मतलब अगेंस्ट क्या मतलब हमारी जो परेशानी है उसके लिए हम बात करने आए थे. इससे पहले एक महीने से हमने CM सर को भी ट्वीट कर रखा है. उनके 181 पे भी हमने कंप्लेन नंबर दे रखी है जो कंप्लेन नंबर हमारे पास आ चुकी है और आश्वासन मिला है हमको कि वो कुछ करेंगे. लेकिन इससे पहले हमने सर को भी अप्रिशिएशन दिए जी मेल किए हैं उनको व्हाट्सएप में मैसेज किए हैं. हम उनके स्कूल में भी मिलने गए लेकिन हमारी नहीं सुनी गई ना हमारे पेरेंट्स की सुनी गई. हमारा कुल मैटर यही है कि जो ये बुक्स ले रहे हैं हमसे बुक्स का रेट लिया जा रहा है वो बुक्स सिर्फ इनके ही स्कूल में बनती है और उनसे ही ले सकते हैं. NCERT का कोर्स नहीं चला रहे. हमारी मांग इतनी सी है कि बुक्स जो NCERT का कोर्स चलता है वो चलाया जाए और जो फीस में हर साल वृद्धि कर रहे हैं उसे कम की जाए. अभी सर जो गहलोत जी का एक आया था शायद उसमें कि सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाए तो हम इतना ही कह रहे हैं जो ट्यूशन फीस अलाउड है गवर्नमेंट की तरफ से वो हम देने के लिए रेडी हैं. बाकी बढ़ती हुई फीस के खिलाफ है हम सब पेरेंट्स. थैंक यू. द मैस्कॉट स्कूल फैसागर रोड. फीस सर बहुत ज़्यादा ली जा रही है. लॉकडाउन में भी हमारे साथ पास PDF आ रहे हैं. ऑनलाइन पढ़ाई 3 दिन गलत बता दी. हाँ नहीं हमारे पास PDF आ रहे हैं कि आप फीस जमा कराइए. हमारे पास कॉल आ रहे हैं कॉल पे हमको टॉर्चर किया जा रहा है कि आपके बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है आप हमें फीस जमा करवाइए. पढ़े हमारे पास कॉल आ रहे हैं हमारे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है हमारे पास मैसेज भी पड़े. अगर हमने रिक्वेस्ट की सर से कि सर अभी हमारी कंडीशन नहीं है फीस जमा कराने की तो हमें धमकी दी गई है कि हम आपके बच्चों की TC दे देंगे. जो पैसा बिल्कुल सर स्कूल की हमारे पास टीचर भी हमारे ग्रुप में अवेलेबल हैं. उन टीचरों की भी ये कंप्लेन है. काफ़ी टीचर रिजाइन कर चुकी हैं. आप जाके लाइव उनसे पूछ सकते हैं. टीचरों को भी सैलरी नहीं मिली है. फरवरी से सैलरी नहीं दी जा रही है जबकि लॉकडाउन 22 मार्च को हुआ था. ये स्कूल बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है. सिर्फ हम चाह रहे हैं कि इस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई भी हो. कलेक्टर महोदय को हमने शिकायत दी है. हो सकता है कुछ दिनों में टीचर भी आके देंगे क्योंकि ये हमारे हक में नहीं है कि हम टीचर की कंप्लेंट लें हम लेटर दें. आपका नाम? दीपा केवल रमानी.